हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज के टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो बहुत अच्छे से ध्यान से जो है क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें और फिर जो है इन क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह आप पहचानें। क्वेश्चन वन है, राव कृष्ण सिंह के समय बिचौलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। कितनी लागतें ली जाती थी? 88 प्रकार की, 84 प्रकार की, 48 प्रकार की या 44 प्रकार की? तो क्वेश्चन वन जो है वो बहुत ही सरल प्रश्न है और सभी जो है सही आंसर देंगे। आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो देखिए आप लोगों का ही नुकसान है। यदि आप बार बार जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो चीज़ें याद हैं वो लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो है 84 प्रकार की लागतें, ठीक है? और 84 प्रकार की लागतें किसने लगाई ये याद रखिएगा, राव कृष्ण सिंह ने लगाई। कहाँ की जनता पर? बिजोलिया की जनता पर। बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया है भीलवाड़ा में, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखें, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय गीत पंछीड़ा के लेखक कौन थे? यानी पंछीड़ा गीत किसके द्वारा गाया गया? भीखा भाई भील के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा या माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय जो गीत है पंछीड़ा, इसके लेखक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा, तो सभी जो हैं वो आंसर दें क्वेश्चन टू का, कि ऑप्शन ए है सही, बी है, सी है या डी है। तो देखिए यहाँ जो सही आंसर रहेगा वो है माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, 1857 के दौरान शहीद हुए मेहराब खान और मोहम्मद खान का संबंध किस क्षेत्र से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के दौरान जो शहीद हुए मेहराब खान और मोहम्मद खान, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? उदयपुर से, बीकानेर से, अलवर से या कोटा से? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सबसे पहले देगा, तो देखते हैं कि क्वेश्चन थ्री का आंसर जो है वो क्या रहेगा। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, सी है अलवर या कोटा? तो बताइए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में, तो ये दो व्यक्ति जो कि शहीद होते हैं तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बिल्कुल सही यहाँ पर जो आंसर है वो है कोटा से, ठीक है? क्वेश्चन फोर देखें, राजस्थान की किस रियासत का शासन हेस्टिंग्स की आश्रित पारथिक्य नीति का शिकार हुई नवंबर 1817 में? तो उस रियासत का आपको नाम बताना है, करौली रियासत, धौलपुर, भरतपुर रियासत या किशनगढ़ रियासत। देखिए सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, हमारा राजस्थान की जो बुक है वो मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, ठीक है? यदि आपने नहीं पढ़ी हैं उनको पढ़िए, 6 से 12 तक की जो बुक्स हैं उनको आप इस तरीके से अच्छे से पढ़िए ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको ना छोड़ सकें, ठीक है? यदि आप 6 से 12 तक की बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो देखिए कोर्स में मैंने हर चीज़ जो है वो इंक्लूड करके कोर्स में पढ़ाया है और हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। ये जितने भी क्वेश्चन जो हैं करवाए जा रहे हैं तो इनकी पूरी डिटेल आपको वहाँ मिलेगी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ाया गया है, ठीक है? दो ही तरीके होते हैं तैयारी करने के, या तो आप जो है खुद नोट्स बनाकर तैयार करें या फिर नोट्स के द्वारा, कोर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं और ये नोट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं। ऐसे नोट्स जो है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो सोचिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा करौली रियासत। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए किस छावनी के भारतीय सैनिक दस्तों में बगावत की? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किस छावनी के भारतीय सैनिकों सैनिक दस्तों में बगावत की, ठीक है? तो ये नारा जो है वो किस छावनी ने दिया था? मेरठ, एरिनपुरा, आगरा या नसीराबाद? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये किस छावनी से संबंधित रहा है? राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो है एरिनपुरा,
छावनी। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल, फुल फॉर्म ध्यान में रखें। यहाँ पर प्रथम एजीजी कौन थे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय? मिस्टर रेनफोर्ड, मिस्टर लॉकेट, मिस्टर थॉमसन या मिस्टर सिम्पसन? तो अभी से ही आप लोग जो है तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम होगा और तब आप जो है वो नोट्स बनाने लगेंगे 1-2 मंथ पहले, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, आपने खुद ने सिलेबस देखा है, चाहे वो लेवल 1 का हो, लेवल 2 का हो, सेकंड ग्रेड का हो, तो सिलेबस आप लोगों का इतना ज़्यादा है कि नोट्स को तैयार करने में आपको लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो कोर्स में मैंने इस तरीके से आप लोगों को नोट्स के द्वारा जो है वो पढ़ाया है कि आपका बिल्कुल कुछ भी छूटे नहीं, और इतने अच्छे तरीके से नोट्स जो है वो बनाए गए हैं कि आप लोगों का देखकर ही पढ़ने को मन भी कर जाएगा। वीडियोस जो हैं उसमें इतने अच्छे से सरल भाषा में आपको समझाया है ताकि आपको हर चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती है वो भी समझ में आ सके। तो राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो यहाँ जो सही आंसर रहेगा वो है मिस्टर लॉकेट। अगला देखें, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजधानी कहाँ थी? विशाल राजस्थान या वृहत राजस्थान? राज्य की स्थापना के समय राजधानी जो है वो कहाँ थी? अजमेर, धौलपुर, जयपुर या बीकानेर? तो बताइए, वृहत राजस्थान के समय राजधानी किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर भी मैंने देखिए हर जगह जहाँ ट्रिक की बात होती है तो वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। वृहत राजस्थान जब बना तो यहाँ पर बड़ी बड़ी रियासतें जो थीं उनको शामिल किया गया था। तो राजधानी यहाँ पर जो है किसको बनाई गई थी? तो देखिए, मैंने आपको बताया था JJB, ये ट्रिक मैंने बताई थी। वृहद राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाया गया था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजधानी यहाँ पर बनाई गई थी जयपुर को, ठीक है? ध्यान रखें, यदि आपने अभी तक नहीं भी ये ट्रिक सुनी है तो आप देख ले, वृहद राजस्थान JJB, ठीक है? और यहाँ राजधानी जयपुर को बनाया गया था। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वो कौन सी है? 17 मार्च 1998, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 15 मई 1949? तो वर्तमान स्वरूप जो आया राजस्थान राज्य का, तो वह किस डेट को आया, किस सन को आया? तो यहाँ देखिए, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हो जाता है और वर्तमान स्वरूप जो है आता है राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को। वीर भारत समाज की स्थापना की, तो यदि आपने 9th क्लास की बुक नहीं पढ़ी है तो वहीं पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, मास्टर आदित्येंद्र या जोरावर सिंह बारहट? वीर भारत सभा। अभी देखिए, आप लोगों ने यदि कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया था, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। प्रयोगशाला सहायक का पूछा था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इन बुक्स से ही जो है आपका क्वेश्चन पेपर बनता भी है। पहले भी हम लोग जब तैयारी हमने कराई थी तो सभी बच्चे जानते हैं जिन्होंने यहाँ से तैयारी की कि बुक्स में से ही सब कुछ आता है। तो या तो आप खुद मेहनत करके जो है वो नोट्स तैयार करें, या फिर आप जो है वो नोट्स के द्वारा, वीडियो के द्वारा जो है वो तैयारी करें, कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन आप अभी से ही जुट जाएं। तो यहाँ जो आंसर रहेगा, विजय सिंह पथिक। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। तो देखिए, वी से विजय है और वी से ही वीर है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? केसरी सिंह बारहट को, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या हरिबाऊ उपाध्याय? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? केसरी सिंह बारहट, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या हरिभाऊ उपाध्याय? तो सभी किसान आंदोलन से संबंधित नाम है। तो यहाँ पर जनक जो कौन है, तो यहाँ पर है विजय सिंह पथिक, ठीक है? खुद राजस्थान के नहीं थे ये, तो कहाँ के थे? यूपी के थे। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक जो है इनको माना जाता है। शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? किशोरी देवी ने, नारायणी देवी,
दुर्गावती देवी या अमृता देवी? तो कौन नेतृत्व कर रही थी उस समय अप्रैल 1934 में, गांव का नाम क्या है? कटराथल। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र जो था वहां पर जो गांव था कटराथल, तो उस समय जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो नेतृत्व कौन कर रही थी यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी किशोरी देवी। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भूरे लाल बयां, रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता या माणिक्यलाल वर्मा? तो देखिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और हो सकता है जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन्हीं में से जो है वो क्वेश्चन आ जाएं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि टॉपिक आपके वही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, यदि आपने पहले से ही नोट्स तैयार किए हुए हैं किसान आंदोलन के, जनजाति आंदोलन के, राजस्थान के एकीकरण के, तो दोबारा से आपको जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल 11th 12th की बुक पढ़ के आप जो है उसी में ऐड भी कर सकते हैं, जो भी नए फैक्ट मिलते हैं उनको उसी में ऐड करते जाइए। नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके पास पहले से ही नोट्स हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले से लिखी हुई होती है, जिनको हमने पहले याद किया होता है, पढ़ा होता है, उसी को दोबारा से अगर हम पढ़ने लग जाते हैं तो बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं होती है पढ़ाई करने में। और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है, नए सिरे से कर रहे हैं, तो अभी से ही जो है वो 6 से 12 तक की बुक जो है वो लेकर बैठे हैं। ठीक है, जो अभी वर्तमान में बुक्स चल रही हैं आपकी, एक तो NCERT की बुक जो है वो चल रही है, और इसके साथ में जो है राजस्थान GK की बुक चल रही है, तो ये सभी बुक्स जो हैं वो आप लेकर आएँ मार्केट से, गूगल पे सर्च करके भी आपको मिल सकती है। और इसके अलावा जो है मैंने आपको राजस्थान GK की 6 से 10 तक की कंप्लीट बुक भी पढ़ाई है, हर चैप्टर जो है वो समझाया है और इनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, तो राजस्थान GK के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ आंसर रहेगा बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। स्थापनकर्ता, अध्यक्षकर्ता, दोनों ही अलग अलग हैं, तो हर चीज़ मैंने आपको समझा दी थी पहले। आप क्वेश्चन आंसर जब करते हैं तो आपको बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर यही है। जरायम पेशा कानून में स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर आने के लिए पाबंद कब किया गया? 1924 में, 1946 में, 1933 में या 1930 में? तो ये जो कानून था जरायम पेशा कानून, तो इसमें जो भी स्त्री पुरुष थे उनको रोजाना थाने में जाके जो है अपना उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। ठीक है, तो ये जो है पाबंद कब किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है 1930 में। अर्जी शीर्षक गीत किसने गाया? माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया। अर्जी शीर्षक गीत किसने लिखा? देखिए, जमना लाल बजाज, साधु सीताराम जी, राम नारायण चौधरी या माणिक्यलाल वर्मा? तो ये भी स्टार लगा लो इस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको आता है आंसर, बहुत अच्छी बात है, फटाफट से जो है वो आंसर बताएं कमेंट में, और यदि नहीं आता है तो इसका जो सही आंसर है वो है माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, पंछीड़ा गीत और अर्जी शीर्षक गीत माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित है। कौन से किसान आंदोलन को वोल्शेविक समझौता कहा गया? बूंदी किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, बरण किसान आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो है बेंगू किसान आंदोलन, जिसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? 3 चरणों में जो है ये पूरा होता है बिजोलिया किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास, फतेहकरण, जमुना लाल बजाज, विजय सिंह पथिक? तो ये चारों ही नाम जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित तो हैं। दूसरे चरण का नेतृत्व करता कौन है? तो यहाँ पर देखिए विजय सिंह पथिक जो है वो दूसरे चरण के नेतृत्व करता रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने भाग लिया था? धाकड़ जाति, सिंह सिनवार जाति, चौधरी और या जाट?
तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जिन किसानों ने भाग लिया था वो थे धाकड़ जाति के। ठीक है, याद रखना, धाकड़ जाति के थे बिजोलिया किसान आंदोलन में किसान। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? शिवनाथ सिंह को, अमरचंद बाठिया को, विशन सिंह को या सरदार सिंह को? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से भी उठाकर जो है वो आपसे पूछ लिए जाएं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से ही उठाए गए क्वेश्चन हैं। बुक आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे आपको हूबहू ऐसी ही लाइनें जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ जो आंसर है अमरचंद बाठिया, 1857 की क्रांति के भामाशाह इनको कहा जाता है। चैलाबासा का युद्ध 18 सितंबर 1857 को किन किन के बीच में हुआ था? कुशाल सिंह व हीथकोट, कुशाल सिंह व कर्नल होम्स, कुशाल सिंह व पैट्रिक लॉरेंस व मॉन्सन हीथकोट व कर्नल होम्स। तो सोचिए, चैलावासा का युद्ध, गोरे काले का युद्ध, दोनों जो हैं एक ही युद्ध के नाम हैं। तो इससे पहले जो है वो 8 सितंबर को युद्ध होता है, ठीक है, उसके बाद जो है 18 सितंबर को युद्ध होता है अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच में। तो चैलावासा का जो युद्ध है, गोरे काले का युद्ध जिसको हम कहते हैं, तो ये किस किस के बीच में हुआ था? तो यहाँ जो आंसर रहेगा, यहाँ पर कुशाल सिंह थे क्रांतिकारियों के साथ, और दूसरी जगह पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन था। ठीक है, अंग्रेजों ने राजस्थान में अजमेर को मुख्यालय कब बनाया था? तो अजमेर जो कि बिल्कुल सेंटर में पड़ता है राजस्थान के, आप देखते हैं, तो यही मुख्यालय बनाया गया था अंग्रेजों ने। तो यहाँ 1835 में, 1834 में, 1833 में या 1832 में? तो बिल्कुल सटीक आंसर क्या है इसका? 1832। आई होप सारे आंसर जो हैं वो आपके सही होंगे। तो कुल आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, इन 20 में से आप लोगों ने कितने के सही आंसर बताए हैं सबके कमेंट में देखती हूँ। तो कुछ बच्चे जो कि केवल वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, बस ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। सभी को बताना है, सभी को जो है वो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, इससे क्या है कि आप लोगों का पढ़ाई में भी मन लगेगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो भी क्लियर होगा। यदि आपने राजस्थान के जो है जीके से संबंधित जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने को मिल जाए, तो वो टॉपिक और भी आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ, हमारा ये टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कुछ और प्रश्न करेंगे हम, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, किसान आंदोलन से संबंधित, जनजाति आंदोलन से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।